अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्रा वीज़ा में जो भी लोग आ रहे हैं सऊदी अरब, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। उम्रा वीज़ा में आने का ट्रैवल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कंप्लीट बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग सुन रहे होंगे कि उम्रा वीज़ा में कुछ लोग आ रहे हैं, एयरपोर्ट में उनको रोका जा रहा, क्या है इसका वजह, डिटेल में जानेंगे। देखिए, उम्रा वीज़ा में आने के लिए वही रिक्वायरमेंट है जो नॉर्मल अभी सऊदी अरब का बाकी कैटेगरी के लिए है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है टिकट में। आप लोग को पता है कि ग्रुप टिकट भी होता है सऊदी एयरलाइंस का। अगर किसी के पास टिकट है, अगर आपने खुद बुक किया हुआ है टिकट, तो कोई बात नहीं, आप आ सकते हो। लेकिन अगर कोई एजेंसी के थ्रू ले रहे या एजेंट से, वो अगर आपको ग्रुप टिकट दे देता है तो फिर एयरपोर्ट में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। सऊदी एयरलाइंस में सिर्फ ये मनाही है। होता क्या है, ग्रुप टिकट किसको बोलते हैं, एजेंट लोग जो होता है ना, जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, जो टिकट बुकिंग करते हैं, उनके पास एक स्पेशल आईडी रहती है बुकिंग करने के लिए, एयर टिकट। वो लोग जो है ना, डायरेक्ट एयरलाइन से परचेज कर लेते हैं अपना आईडी से टिकट्स, और वो टिकट में उनका आईडी मेंशन रहता है। तो उम्रा वीज़ा में सिर्फ सऊदी एयरलाइंस ने मना किया है ग्रुप टिकट को, बाकी कोई एयरलाइंस में दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट सऊदी एयरलाइंस का टिकट बुक कर रहे हो तब आप आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये डाउट पहले ही क्लियर कर लीजिए। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा टिकट के वजह से आने में प्रॉब्लम हो रहा, वीज़ा के वजह से नहीं। सऊदी अरब में कोई भी एयरपोर्ट में आ सकते हैं उम्रा वीज़ा लेकर के, कोई टेंशन की बात नहीं है। कितना सारा फैमिली आ रही है रोज़, और मैं रोज़ जो है 50-60 लोगों को वीज़ा भी दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को भी अगर उम्रा वीज़ा चाहिए, मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए, मेरे टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए, बहुत सस्ते रेट में दे देंगे, और 24 घंटे के अंदर इंशाल्लाह दे देने की कोशिश करूँगा अगर पोर्टल में कोई इशू ना रहा तो। अब देखिए, इसके अलावा क्या चाहिए रिक्वायरमेंट। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि बच्चे अकेले नहीं आ सकते उम्रा वीज़ा में, 18 साल से जिनकी उम्र कम है। अब कई लोग पूरा वीडियो देखेंगे नहीं, टेंशन ले लेते हैं, सानोर भाई क्या बच्चा नहीं आ सकता। अरे भाई, फैमिली के साथ में अगर आ रहे हो कोई टेंशन नहीं है, बच्चा एक साल का भी है ना, फैमिली के साथ में आ सकते हैं, अगर उनका गार्जियन है साथ में कोई इशू नहीं है, अकेले नहीं आ सकता, मैंने ये कहा था उस वीडियो में, ये भी क्लियर कर लीजिए। इसके अलावा वो वीज़ा का प्रिंट ले लीजिएगा, इंश्योरेंस लीजिएगा, ओरिजिनल टिकट और रिटर्न टिकट, ये दोनों चाहिए, पासपोर्ट तो चाहिए ही। अब रिटर्न टिकट बहुत लोगों का प्लान है नहीं कि कब तक आएंगे, लेकिन 90 डेज से पहले आ जाइएगा। रिटर्न टिकट बहुत लोग बोले कि डम्मी टिकट ले लो, देखो इसको डम्मी मत बोला कीजिए आप लोग, एयरपोर्ट में भी कुछ लोग हैं जो डम्मी बोल देते, ये डम्मी टिकट है, कभी भी मत बोलना, डम्मी बोलना इलीगल है, डम्मी आप यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी जो रिटर्न टिकट आप ले रहे हो वो ओरिजिनल पीएनआर के साथ होना चाहिए, वो वैलिड टिकट होना चाहिए, ऑनलाइन दिखना चाहिए, क्योंकि इमिग्रेशन वाले एयरपोर्ट में चेक करते हैं कि आपका पीएनआर शो कर रहा है कि नहीं। अगर नॉर्मल एक पेपर लेके गए ना टिकट का, तो लोग आने नहीं देंगे। रिटर्न टिकट भी मैं प्रोवाइड करता हूँ सस्ते रेट में, आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी, कॉमेंट सेक्शन में भी मैंशन कर दूँगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद अभी भी कुछ लोगों में डाउट है कि वीज़ा का वैलिडिटी कब से शुरू होगा। देखिए, वीज़ा का दो वैलिडिटी होता है, वीज़ा मिलने के बाद उसमें मैं सफ़र कब तक कर सकता हूँ, सफ़र करने का एक वैलिडिटी, जब आप सऊदी अरब आ गए रहने का वैलिडिटी कि उस वीज़ा में कितना दिन रह सकता हूँ। तो इसको भी क्लियर कीजिए, जब कोई भी वीज़ा आपको मिल रहा है ना, ये सिंगल एंट्री वाला वीज़ा, कोई भी वीज़ा, 90 डेज उसका ट्रैवल डेट रहता है। मान लीजिए आज कितना तारीख है, आज 25 तारीख है ना, 25 तारीख को अगर किसी का वीज़ा लग गया उम्रा का, ई वीज़ा, तो 90 दिन उसका डेट रहेगा सफ़र करने का। मतलब लेके मैं रख लिया हूँ, नेक्स्ट मंथ भी, एक महीने बाद भी जा सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं, 90 दिन के अंदर मुझे ट्रैवल करना ही है, ये सफ़र करने का वैलिडिटी है। 90 दिन के अंदर जब कोई भी दिन में मैं सफ़र करूँगा, एग्ज़ाम्पल पे डेढ़ महीना बाद कोई बंदा वीज़ा लेके जा रहा, तो डेढ़ महीना बाद वो जब एयरपोर्ट में घुसेगा ना, उस दिन से 90 दिन फिर काउंट होगा स्टे करने का, वहाँ से शुरू कीजिएगा। बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूज़न हो गया था, इवन मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया था, लेकिन एक्चुअल रूल यही है, ट्रैवल करने का भी और स्टे करने का भी। 90 दिन से पहले उम्रा वीज़ा में जो लोग जा रहे हैं, निकल जाइएगा सऊदी से, नहीं तो आपको भी फ़ाइन होगा, मुझे भी फ़ाइन होगा, मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज़, एजेंसी वालों को भी फ़ाइन आता है। चलिए, वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाइए, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सपोर्ट भी कीजिए, लाइक कमेंट भी किया कीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।